तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि बच्चे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरी तबीयत जो है अब थोड़ा बहुत ठीक हो रही है प्यारे बच्चों, तो अब क्लासें रेगुलर होंगी और वीडियोज़ रेगुलर अपलोड होंगे। तो उस वादे के मुताबिक मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ नया वीडियो लेकर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है, कहते हैं यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, रूट टू साइन थीटा। प्यारे बच्चों, रूट टू साइन थीटा, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था। तो बच्चे ये अपने को दिया है, ये अपने को प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों, हल करके हम बोलेंगे कि दिया है ना बच्चे, क्या दिया है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो दिया है वो लेके हमें जो सिद्ध करने को बोल रहा है वो सिद्ध करना है बच्चे, प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो, इस पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में जाना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें कुछ ऐसा करना है कि कॉस थीटा हो और फिर माइनस साइन थीटा हो। उसके लिए एक ही चारा बचता है प्यारे बच्चों, कि मैं इस कॉस थीटा को यहाँ रोक दूँ, मैं इस कॉस थीटा को यहाँ रोक दूँ और उस साइन थीटा को प्यारे बच्चों उधर लेके जाऊँ, या फिर एक काम करता हूँ, मैं इस साइन थीटा को प्यारे बच्चों यहीं रोक देता हूँ और ये रूट टू कॉस थीटा है प्यारे बच्चों उधर जाएगा तो माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, ये प्लस का कॉस थीटा था तो उधर जाएगा प्यारे बच्चों तो माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा। मतलब कहानी ये है कि हम कॉस कॉस को इस एक तरफ ले गए और साइन साइन को एक तरफ ले गए प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों जब भी हम कॉस थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा बच्चे रूट टू, यहाँ पर रूट टू बचेगा बच्चे, यहाँ बचेगा माइनस का वन। तो प्यारे बच्चों, हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू रूट टू माइनस वन। तो प्यारे बच्चों, एक काम कर सकते हैं हम, इस रूट टू माइनस वन को हटाने का मेरे पास एक तरीका है। रूट हटाने का बच्चे एक तरीका क्या था बच्चे, परिमेयीकरण जैसी कुछ चीज़ आप करते थे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं रूट टू माइनस वन में रूट टू प्लस वन का गुणा कर दूं बच्चे, परिमेयीकरण में कुछ ऐसा हुआ था बच्चे, रैशनलाइजेशन में कुछ ऐसा ही हुआ था बच्चे। तो रूट टू माइनस वन में अगर मैं चिन्ह बदल के प्लस वन का गुणा कर दूं तो बच्चे ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के जैसा हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन, तो प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों में किसका, रूट टू प्लस वन का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में रूट टू प्लस वन का गुणा करने पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा इंटू रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू माइनस वन। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कॉस थीटा इंटू रूट टू माइनस वन और रूट का टू प्लस वन। भाई इधर अगर प्लस का गुणा किए तो यहाँ भी प्लस का करना पड़ेगा। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में रूट टू प्लस वन से गुणा करने पर, से गुणा करने पर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, तो अब साइन थीटा का गुणा रूट टू से होगा बच्चे, तो हो जाएगा रूट टू साइन थीटा, है ना प्यारे बच्चों। साइन थीटा गुणा वन से होगा बच्चे, तो आ जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, कॉस थीटा है तो इसे कॉस थीटा रहने देते हैं। और प्यारे बच्चों, ये है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों, ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे सिंस अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये बन जाता है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो बच्चे लोग ज़रूर बताएंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन आ गया था तो बच्चे परेशान हो तो बताएंगे बच्चे। ये होगा रूट टू साइन थीटा, रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा
इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों इधर क्या है, यहाँ पे है कॉस थीटा इन टू रूट टू का स्क्वायर बच्चे 2 होगा और फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो कुल मिला के रूट टू साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इन टू 1, दो में एक गया तो 1 आ गया, तो रूट टू साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, कॉस थीटा होगा। अब बच्चे आप देख लो आपको क्या प्रूव करना है, क्या इतने से बना सकते हो, तो प्यारे बच्चों प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या करें हम इस साइन को उधर ले जाएं बच्चे, तो माइनस का बन जाएगा, तो रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू इधर कॉस थीटा पहले से है तो कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा उधर गया बच्चे तो क्या हो गया माइनस का साइन थीटा। इसको इधर लाएं बच्चे पूरे को, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, प्यारे बच्चों बोलेंगे हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। प्यारे बच्चों तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद इसका टेंथ का सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है बच्चे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से वो सॉल्व होगा, इस तरीके से नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो उससे भी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यदि कॉस थीटा और फिर माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, है ना बच्चे, रूट टू साइन थीटा हो तो, रूट टू साइन थीटा हो तो प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है इस बार कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। प्यारे बच्चों जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था फर्स्ट नंबर को, ऐसा सॉल्व करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा, तो अपन अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वैसे पिछले क्वेश्चन के जैसे अगर सॉल्व करने का प्रयास भी करें प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट समझ में आ रहा है। जैसे जो गिवन है प्यारे बच्चों इज इक्वल टू रूट टू, क्या दिया है बच्चे, साइन थीटा दिया है। हमें करना क्या है बच्चों, हमें करना ये है, हमने पिछले वाले में सीखा था कि कॉस कॉस को साइन साइन को एक तरफ करते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, ये माइनस उधर गया बच्चे तो प्लस का साइन थीटा हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कॉस थीटा बाहर आएगा, यहाँ प्यारे बच्चों साइन थीटा बाहर कर लेंगे तो रूट टू प्लस वन बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में रूट टू माइनस वन का गुणा कर देंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन। तो प्यारे बच्चों बनेगा, ये बनेगा रूट टू कॉस थीटा, मिल गया। अब माइनस का प्यारे बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ प्यारे बच्चों साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिजल्ट विल बी वन। तो प्यारे बच्चों आ गया आंसर आपका, है ना। तो जिस तरीके से अपन ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो बच्चों हम हल करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, हल करके बोलेंगे कि ऊपर वाले की कृपा से गिवन है, दिया है, क्या दिया है बच्चे, दिया है कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू। हम क्या करते हैं, रूट टू साइन थीटा, हम क्या करते हैं बच्चे, रूल ये है कि कॉस कॉस को एक तरफ रखते हैं और साइन साइन को एक तरफ रखते हैं, तो प्यारे बच्चों ये माइनस साइन थीटा उधर जाएगा तो प्लस का साइन थीटा बन जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो तो कॉस थीटा हो गया, इधर साइड बच्चे दोनों में साइन थीटा कॉमन है, तो हम साइन थीटा को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा अंडर रूट टू प्लस वन। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब मैंने क्या बोला था कि रूट टू प्लस वन है अगर, तो चिन्ह बदल के दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा इंटू रूट टू माइनस वन, प्लस वन है तो माइनस वन का, पिछली बार माइनस वन था तो रूट टू माइनस वन था तो रूट टू प्लस वन का गुणा किया था, इस बार रूट टू प्लस वन है तो रूट टू माइनस वन का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, पिछली बार मैंने बताया था ताकि ये हमारा समाप्त हो जाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू यहाँ होगा साइन थीटा अंडर रूट टू प्लस वन इंटू अंडर रूट टू माइनस वन। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिखाई दे रहा है,
फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ प्यारे बच्चों कॉस थीटा का अंदर गुणा कर देंगे तो कॉस थीटा का रूट टू से गुणा तो हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का वन से गुणा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा है बच्चे तो साइन थीटा कर देंगे। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे रूट टू है प्यारे बच्चों तो रूट टू का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे वन है बच्चों तो वन का स्क्वायर। बच्चे फार्मूला यहाँ से हटा के साइड में लिख दें, नहीं तो कुछ प्यारे प्यारे गधे बच्चे इसको यहीं पे उतार लेंगे। तो बच्चे सिंस हम बोलेंगे कि ए प्लस बी एक बार प्लस मिले एक बार माइनस मिले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चे फाइनल रिजल्ट। तो अब प्यारे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चे कहाँ से, तो ये रूट टू कॉस थीटा है तो लिख दिया मैंने इसको, माइनस का कॉस थीटा है बच्चे तो चुपचाप लिख दिया। यहाँ बच्चे क्या हुआ, यहाँ हुआ साइन थीटा, अंदर रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन। तो प्यारे बच्चों रूट टू कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इन टू, दो में एक गया तो वन आएगा प्यारे बच्चों। तो ये रूट टू कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों हम एक चीज़ देखेंगे कि क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो बच्चे मैं इस रूट टू कॉस थीटा को यहाँ पे रोक के रखता हूँ तो रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, उधर पहले से है साइन थीटा उतार दिया, माइनस कॉस थीटा बच्चों उधर जाएगा तो प्लस का कॉस थीटा बन जाएगा। अब मैं इसको इधर ले सकता हूँ पूरे को, तो साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा, इसको उधर ले सकता हूँ तो रूट टू कॉस थीटा। क्रम को चेंज कर सकते हैं बच्चे, कॉस को पहले कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, पी आर ओ वी ई डी, हैंस प्रूव हो गया प्यारे बच्चों। या फिर हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चों के लिए यह इति सिद्धम हो गया है। अब करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3 और फिर बचेगा फोर्थ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो वो हम करेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर टेन का क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है यदि, क्या कहता है बच्चे, कहता है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हो तो प्रूव्ड दैट, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है प्यारे प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध ये करना है बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन। तो प्यारे बच्चों पहला प्रयास क्या होना चाहिए, हमें देखो जो दिया है वो साइन में दिया है और जो लाना है बच्चे वो कॉस में लाना है, इसका मतलब साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों साइन कॉस में कन्वर्ट होता है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट के इस्तेमाल से, जिसे हम कहते हैं सर्वश्रमिका नंबर वन के उपयोग से। तो प्यारे बच्चों हल करके बोलते हैं कि हमें दिया ये है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमें ये प्रूव करना है। तो हल करके बोलेंगे प्यारे बच्चों दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे गिवन, क्या दिया है बच्चे, हमें दिया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो प्यारे बच्चों हम क्या करें, इस साइन को मैं इधर रोक लेता हूँ, साइन स्क्वायर को बच्चे उधर ले जाता हूँ, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है बच्चे, फार्मूला कुछ ऐसा होता है, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो हमें वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को रोकेंगे वन की तरफ साइन स्क्वायर को ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
प्यारे बच्चों कॉस का पावर 4 चाहिए हमें। क्या चाहिए बच्चे? कॉस का पावर 4 चाहिए। तो कॉस का पावर 4 तब बनेगा जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, है ना प्यारे बच्चों। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर क्या लिखते हैं हिंदी से, लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों साइन का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बच्चे, या फिर ऐसा कर सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दोनों साइड का बच्चे स्क्वायर कर दिए। इसे हम लिख सकते हैं बच्चे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू स्क्वायर, बच्चे पावर 4 हो जाएगी, तो कॉस पावर 4 थीटा। सबको बचा पता है प्यारे बच्चों को कि पावर और पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो प्रूव्ड करना है उसमें पूरा कॉस ही कॉस है, साइन नहीं है, मतलब हमें इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं बोलूँगा, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्यारे बच्चों तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे ये कॉस स्क्वायर उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब प्यारे बच्चों ये कि हम साइन के स्थान पे, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, और इधर पहले से कॉस पावर 4 थीटा है। तो अब प्यारे बच्चों इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, इधर बचेगा 1, तो कॉस पावर 4 थीटा, ये माइनस है बच्चे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना प्यारे बच्चों। इसको इधर लिख सकते हैं, तो कॉस पावर 4 थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इसे पहले लिख सकते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों ये हुआ PROVED। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचते हैं। एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं बुक उठा लूँ, मेरे पास 11th का बुक जो है पुराने पैटर्न वाला है, लेकिन मैच क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। तो अभी बचा है प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1C.2 है उसका 10वें का, जो 10th है बच्चे, 10th का 4th बचा है अभी, 10th का 4th बचा है प्यारे बच्चों। बहुत कठिन नहीं है लेकिन मुझे बताना पड़ेगा फिर भी, 10th का 4th बचा है। और आप में से किसी भी बच्चे ने, बहुत बड़ी शिकायत है मुझे, आप में से किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर ना 10th पूछा है और ना क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जांपल नंबर ना 10 पूछा है और ना एग्जांपल नंबर 11 पूछा है। मान सकता हूँ कि आपसे 11 तो बन जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10 तो पूछना चाहिए था। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हो नहीं पाएगा, तो अगले वीडियो में मैं इसका लास्ट क्वेश्चन मतलब 4th नंबर बताऊँगा और एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 बताऊँगा। तो इस एक्सरसाइज के लिए मात्र एक वीडियो बचा है, उसके बाद हम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे आगे की तरफ एक्सरसाइज जो अगली वाली हैं। बच्चे अब टाइम कम लगेगा, सबसे अधिक टाइम बच्चे यहीं लगना था। तो अब इसके बाद बहुत इजी होने वाली है बच्चे ट्रिगोनोमेट्री। तो जितने लोग यहाँ तक कंफर्म कर चुके हो या फिर नहीं भी कर चुके हो, तो इन बच्चों को बताओ कि अब वापस से जुड़ें, क्योंकि अब ईजी टाइप वाला ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं और बहुत मज़ा करने वाले हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।